तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यार विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, अगर आपका भी बीपीएल या एवाई राशन कार्ड बना हुआ है, यानी दोस्तों आप राशन कार्ड की चाहे पुराने लाभार्थी हो चाहे नए लाभार्थी हो, दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट है, जरूरी एक जानकारी मुझे आपको देनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों आपको पता है, जब आपका जो राशन कार्ड है वो बन जाता है, चाहे वो गुलाबी राशन कार्ड हो चाहे वो पीला राशन कार्ड हो, यानी दोस्तों चाहे आपके पास एवाई यानी गुलाबी हो यानी बीपीएल यानी पीला हो, आपका राशन कार्ड बन गया है। अब मेन जो राशन कार्ड की चीज होती है, जो आपको हर महीने दी जाती है, वो होता है राशन कार्ड का राशन। और दोस्तों जो गरीब परिवार होते हैं उनके लिए ये जो राशन होता है ये वरदान के रूप में साबित होता है, क्योंकि दोस्तों जिसके पास जमीन नहीं है बिल्कुल भी, उसके पास अनाज भी नहीं होता और खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं, और सरकार जब ये कुछ पैसों में या अनाज आपको दे देती है तो दोस्तों उन गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी की बात तो होती ही है। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल जो राशन कार्ड हैं वो बन रहे हैं, कट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और इसके कारण जो लाभार्थी हैं उनमें कन्फ्यूजन यानी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा राशन इस महीने आएगा या अगले महीने आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि आपका राशन आपको इस महीने मिलेगा या अगले महीने मिलेगा, डबल मिलेगा कितना मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड जनवरी में यानी दोस्तों दिसंबर में बन गया था, दिसंबर में अगर आपका राशन कार्ड बन गया था और जब 24 तारीख को नई सूची आपको राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए दिए गए, उस समय अगर आपका राशन कार्ड बन गया था, आपका राशन कार्ड डाउनलोड हो रहा था, चाहे आप पुराने लाभार्थी हो चाहे आप नए लाभार्थी हो, वो आपको जो राशन है वो जनवरी महीने में मिला था, और दोस्तों फरवरी महीने में भी मिलेगा, एक ही महीने का मिलेगा फरवरी का, क्योंकि आपको जनवरी का मिल चुका था। अब दोस्तों अगर आप एक ऐसे लाभार्थी हैं जब 24 तारीख को लिस्ट जारी हुई उस समय आपका जो राशन कार्ड है वो पुराना बना हुआ था वह कट गया, और दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था अगर राशन कार्ड गलती से कटा है तो दोबारा से चालू किया जाएगा और आपको राशन डबल मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको आपका जो राशन कार्ड है वो जनवरी महीने में फिर से बन गया 14-15 तारीख के आसपास या 10 तारीख के आसपास, तो दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जनवरी महीने में फिर से राशन कार्ड बन गया था तो दोस्तों आपको जो राशन है इस महीने डबल राशन मिलेगा, जनवरी का और फरवरी का दोनों महीने का डबल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड फरवरी महीने में बना है, यानी दोस्तों आपका राशन कार्ड 24 तारीख को जब लिस्ट जारी हुई दिसंबर में, उस समय आपका लिस्ट में नाम नहीं था, और दोस्तों फिर आपने रिक्वेस्ट लगवाई, आपका राशन कार्ड अपने आप आया, आपका राशन कार्ड अब जनवरी महीने बनकर फरवरी में यानी इस महीने कुछ दिन पहले जो कुछ कटे हुए राशन कार्डों की सूची जारी हुई थी उस समय जारी हुआ है, तो दोस्तों इस महीने आपको राशन नहीं मिलने वाला, इस महीने आपको राशन नहीं मिलेगा बल्कि आपको राशन मिलेगा मार्च में। और लगभग दोस्तों हो सकता है सरकार आपको डबल राशन दे दे, यानी टिबल राशन, दोस्तों टिबल राशन, डबल नहीं टिबल, टिबल कैसे, जनवरी महीने का यानी इस महीने फरवरी महीने का, और दोस्तों मार्च में तो आपको राशन मिलेगा क्योंकि दोस्तों उस समय जो आपका राशन रिकॉर्ड है वो एड हो जाएगा, मार्च का तो आपको परमानेंट मिलेगा, और दोस्तों लगभग आपको सरकार जनवरी और फरवरी महीने का राशन भी इकट्ठा दे देगी, तो आपको एक साथ 3 महीने राशन मिलेगा। अब दोस्तों जिसके शुरुआत में बन गए थे, कटे नहीं थे, उनको जनवरी में भी राशन मिला था, इस महीने उन्हें सिंगल राशन मिल जाएगा, और जिनके कट गए थे जनवरी में बन गए थे उनको इस महीने फरवरी में डबल राशन मिलेगा, और दोस्तों फरवरी में जिसके राशन कार्ड बने हैं हो सकता है उनको मार्च में दोस्तों इस महीने उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और मार्च में हो सकता है 3 गुना राशन उन्हें दे दिया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी, अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आप राशन रिकॉर्ड चेक कैसे कर सकते हैं कि आपका इस बार कितना राशन आया है नहीं आया है, डबल आया है सिंगल आया है, कितना आया है वो आप चेक कर सकते हैं, और वहां पर अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है तो आपका राशन नहीं आया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए दिल से माफी चाहता हूं, आगे से आपको और भी सुंदर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।